छोटी सी बात हो। श्रीमद् भागवत जी में आता है कदो यत् जायतो कदो जायतो विष्णु त्रेतायां यजतो मकई वापरे यच्च पूजायां कलौ तद्धर कीर्तना। जिस परम तत्व की प्राप्ति सत्य में बड़ी लंबी लंबी समाधियां ध्यान लगा करके होती, और उसी जिस परमात्म तत्व की प्राप्ति त्रेता युग में बहुत बड़े बड़े यज्ञ आदि करके होती, द्वापर युग में बड़ी बड़ी पूजाएं करके जिसको उनकी प्राप्ति होती है, कलयुग में इतनी मेहनत कौन कर सकता है? कहाँ समय है, कहाँ शुद्ध वस्तुएं मिलती हैं यज्ञ आदि शुद्ध हो सके आदि आदि। तो कहते हैं ही लगे ना फटकरी रंग चौका, वैसे सबकी भी महिमा है सभी युगों में, लेकिन और प्रभु के नाम की महिमा भी सभी युगों में है, लेकिन कलयुग में विशेष रूप से प्रभु के नाम संकीर्तन की महिमा है। इसलिए उसी परमात्मा की प्राप्ति कलयुग में केवल भगवान नाम संकीर्तन करने से ही और गुणगान करने से ही प्राप्त हो जाती है। समझ में आया? आप लोग सब कलयुग में कहते हुए भगवान नाम संकीर्तन बड़ी मस्ती से कर रहे थे, ये बहुत बढ़िया साधन है, ऐसे मस्त होकर के घर में भी कीर्तन करते रहना, भगवान आपको अवश्य मिलेंगे, अवश्य मिलेंगे, अवश्य मिलेंगे। भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। युगल जोड़ी सरकार की जय। सब संतन हरि भक्तन की, सब संतन हरि भक्तन की जय हो। प्रार्थना की बच्चों को प्लीज चुप करवा लीजिए, बार बार अनुरोध कर रहे हैं, बच्चों को 5 मिनट के लिए चुप करवा लीजिए। अवगुण चित्त Yeah.
ترجمة
لكن गंगा जी का आचमन करें स्नान करें कोई मंदे गलानी नहीं होती क्यों गंगा Thank you.
अब तो चित्र